देखो भाई, अहमियत दिखाया। अभी बहुत सारी अहमियत हमें बोलते गए, बहुत जरूरी है। कितने नुकसान थी वो अलग ही, कोई गाली दे रहा है वो भी हमें दावत ना करने की वजह से, आज कोई मारा खा रही हमें वो भी दावत ना करने की वजह से, हमें कुरान हदीस नहीं सुनाने की वजह से, है नहीं भाई। अगर हमें कुरान हदीस उनको सुना डाले रहते, अल्लाह क्या है, अल्लाह की सिफात क्या है, अगर उनको बता डाले रहते, अल्लाह किसे बोलते हैं वो बता डाले रहते, तो वो लोग हमारे से खुश होते, हो कि नहीं भाई। वो भी एक रीजन आज हमें रुसवा होने के वास्ते। तो बहरहाल ये सब चीजों से अल्लाह की बहुत चीजें और बोलते गए, तो एक दिन पूरा बोले तो भी खत्म नहीं होता। बहरहाल अब आओ, दावती काम के ऊपर कैसा हमें करती ये चीजें तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखो ये गैर मुसलमान में मैं जब भी उनसे जाकर मिलिया, गैर मुसलमान भाई ही ना, मैं जब भी उनसे मिलिया, उनके तीन क्वेश्चन खतरनाक पड़ते। पहला क्वेश्चन, तुझे कौन पैदा करे सो तो हमारे अम्मा बाबा आके दे। क्या बोलते, हिंदुआन तो हिंदुआ, मुसलमान में भी है ये, एक हद तक बगैर सोचे समझे के मुसलमान में भी है। माशाल्लाह हमारे अलैह दिशा सब जानती अल्लाह ताला की जात है, जो अपने एक गलीस पाने के नुत्फे क्या खतरे को, गलीस पाने के खतरे को इंसान बना को इतना अच्छा अशरफुल मखलूकात कर बोल को नाम दे लिया, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जानते हैं। देखो याद करने की बात, दिमाग में रखने की बात है, तो जो कौन बाप पैदा करे सो कर बोले, पहली बात को उन्होंने पहले हमारे अम्मा भी बाबा आक थी, हमारे अम्मा भी बाबा आक थी, ये उनके दिमाग से काटना। तीन चीजें काट लिया तो बहुत अच्छा समझ में आता। अब इसे कैसा काटना, कैसा निकालना, मैं देखो हर एक गैर मुसलमान को यह दे रहा हूं, पूरे सारे जो भी आता है, जो भी बंदा जिस दिन से मैं दावा का काम स्टार्ट किया उस दिन से यही मिसाल दे, बहुत सारे ही, लेकिन गैर मुसलमान के दिमाग को बात नहीं बैठती जल्दी, तो मैं जानते कि मन ने अल्लाह पैदा कर तो उसे चिड़ आ जाती है, शैतान उसे नहीं आती रहेगा, शैतान उसे जलाते रहता अंदर से, ए अल्लाह कर बोला, ए तू बोल रहे, ए मुसलमान का अल्लाह का नाम बोलो से नहीं बोलो पर मारो इसे निकालना। कौन बा पैदा करे सो कर बोले तो उन्हें क्या करता, हमारा अम्मा बाबा कहता है उसे छोटी छोटी मिसाल देना, देख बात तुझे एक छोटी एक चीज दे, तो इंसान का कोई भी एक आजा ले ले, कान की नाक की अंखी की, एक नीचे तोड़ को पड़गा करना भी, दस टुकड़े होगा करना अंखीच लेता है, ये कान को नीचे तोड़ को गिर जाती है, दस टुकड़े होगी, दस को रुपए दे तो क्या भी इसे ओरिजिनल कर सकता है क्या, कर को उसे सवाल डाले तो उन्हें क्या बोलता बोलो, हाँ तुम्हें जैसा सिर हला रही नहीं कर बोल को, उन्हें भी वैसा छलाता है, सब पूरे के पूरे ऐसा छला, पूरे के पूरे ऐसा छला है, नहीं नहीं होता, अच्छा भाई ये ऐसा नहीं होता, ऐसे कितने आजा है नीचे से ऊपर तक का कितने आर्गन से, क्या उसे कोई वैल्यू बन सकता है, नहीं कहता ऐसा। और उसके बाद में जो वैल्यू उन्हें नहीं बन सकता, इतने बड़े इंसान को तेरे अम्मा बाबा पैदा करे रहे, तो मेरा एक सवाल है भी, मेहरबानी से सुन जरा, आजी से मैं ये पिछ में नहीं जाता गैर मुसलमानों के पास, पाप उनको मालूम नहीं, मासूमा उनको मालूम कराना हमारा फर्ज है, अब उनको क्या करना नरमी से, देख भाई इतने आजा ही इतने चले गए, इससे भी अगर हमारे अम्मा बाबा पैदा करे रहे तो जिसे वैल्यू नहीं बन सकते, मेरा एक सवाल है, ये बाल के टुकड़े को कौन तुम्हें एक पांच पैसे देती के बाप, तो हाँ हाँ नहीं ना कौन देती जाप जी कती, अरे बाल के टुकड़े को पांच पैसे कौन भी देने वाले नहीं, मुझे बोल ये बाल के टुकड़े को तुम्हारे अम्मा भी बाबा पैदा करती क्या, कर को पूछे तो नहीं होता जी कती, ये सही है हर एक का भी जवाब आया समझ आज तक का भी। मैं इसीलिए देखो मेरे तजुर्बे के मुताबिक मैं काम भी हार्डशिप फेस नहीं किया, हार्डशिप मैंने के तू कैसा है मैं कैसा है तू ये कहीं को बोलता है करने की बात मेरे से आज तक का नहीं हुई है, इसीलिए मेरे तजुर्बे को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहता हूं, समझे आप, बहुत आसान से। उसके बाद में आ जाओ तुम्हें कुरान को रखो, कुरान के आयत रखो, तफासिर को रखो, उसके बाद में अहदीस को सामने रखो, उसके बाद रखते जाओ, यही मेरा तरीका। उसके बाद में क्या करते हो, अच्छा भी ये बाल कुछ नहीं पैदा कर सकते, अगर ये बाल को नहीं पैदा कर सकते तुम्हारे अम्मा भी बाबा इतने अच्छे इंसान को पैदा कर सकती हैं क्या, कर को मैं उनको सवाल दूं, तब उन्होंने क्या बोलती है, हाँ नहीं होता, क्यों बाल को नहीं कर सकते ना, तो यहां नहीं होता। और जरा देखो ये जरा ट्रिक करको जरा अलग तरीके से अपनी अना में रहती ना, उन्हें क्या बोलती मालूम, बाली को ऐसा क्या तभी तुम्हारा माँ बाप पैदा करती के पाक तो हाँ नहीं वो हांच रहा तो आता ना,
ये हाथ लग लग रहा था, ये बड़ा होते रहता ना, ये सवाल डालती हूँ। तब क्या करता हूँ, तोड़ डाल को उनके हाथ पे रखो। अच्छा भैया ताकत हम था क्या, लग लग रहा तो तू बढ़ता है अगर बोल रहा है, मैं तोड़ को तेरे हाथ दे लू, इसे बनाने होता है क्या तो नहीं करो। तो बोल बा, इतने बड़े इंसान को नहीं बनाने होता, बाल के टुकड़े को बनाने नहीं होता, इतने बड़े इंसान को ऐसा भी नहीं होता। अब बोल ले, तुझे कौन पैदा करे सो कर को बोल को, मैं इसे क्या कर दू, बोलो मेरा अक्षर कैसा रहता है, मेरी उंगली कान दिखाते रहते, अल्लाह की तरफ दिखाते रहते, ऊपर आसमान की तरफ दिखाते रहते। फिर कौन तुझे पैदा करे बोल ले, कहता उन्हें देवरो कहता है, क्या भी बुरा समझो ना, बहुत आसान है दावा करना, मेहरबानी से याद रखियो, बहुत आसान, तू उंगली दिखाते कि मैंने देवरो कहता है। अच्छा भाई तू मान लिया देवरो कर बोल को, हमारा हमको आधा काम हो जाता, अब आधा ये तीन सवाल में ही। अच्छा भाई उन्हें देवरो कहा ना, तू कहां है बोल, मैं उंगली दिखा दे लिया उसे, मैं दिखा को ऊपर ही हूं गया तो उन्हें ऊपर है कदा लिया। लेकिन इसके बावजूद फिर भी दूसरा सवाल उनका दिमाग ऐसा हो गया कि ये देवरो करने का हर जगह है, उन्हें देवरो करने का हर जगह है, हर चीज में है, ये है, ये आखिर कैसा करना। तो ये फिर उन्हें तू देवरो कहा ना बा, वो देवरो कहा है बोल, हमें दिखा दे उन्हें देवरो ऊपर वाला का कुछ बोल को देख को बोलिया सो, इसके बावजूद हमें फिर और एक उसका तस्वर है, वो निकालना उसके दिमाग से, बोल को निकालना। वो दूसरी बात वो कहां है पता, हर जगह है ना पता है, यहां तक आके तेरी आत्मा में जो वो परमात्मा है पता होता उन्हें। ये गैर मुसलमान क्या कहते हैं ना, बहुत खतरनाक है, बहुत आसान से बोझ को सड़वा ले जाए आसान से। ए उफ कतो, देखो अब कौन कौन पैदा तेरा सो कर बोल को समझाना, वहा है पकड़े कि भाई कितना आसान है। अब देखो दूसरी बात कहां है, कहां है कर बोलने के वास्ते सारे मिसाल दे आओ, तो कैसे मिसाल दे तो, ये जनरल तौर से हर हमेशा डायरी देखते रहती। एक मिसाल, बारिश नहीं आता समझो भाई, किसान रहता है जिराती, वो जाको रहता ना फार्मर रहती ना भाई, उन्हें खेता में पानी नहीं आया, धूप काला पानी कम पड़ गया, वाहे में आ जाता है, उसके फसल नहीं उग रही, उगाने की चीज नहीं पड़ रही है, तो वो वक्त में क्या करता वो बंदा, उसके पास जाको क्या भिक्षा, अच्छा है कि भीग तो क्या की मालूम नहीं, वो ऊपर वाला कब बारिश बरसाता की बोलता नहीं बा, उसे ऐसी मिसाल सामने रखना। उन्हें क्या बोलता है, उन्हें काम वाला करको बोलिया करको वो सामने ले, फिर हमें ये सवाल उसे पूछना, उंगली कहां लगाना, हमारे जरे आक्षणा करना याद रखो, जब तक हमें आक्षणा नहीं करते उसके दिमाग में नहीं बैठती, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक तरीका था अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज को एक बात को तीन तीन बार बोलते और हाथ हला हला को बताते है। तो क्या बोला, बोले कहा है भी? तो उन्हें खुद बोलता है ऊपर वाला काम, अब यहां क्या पूछे थे हमें वो जिराती को, क्या की रहे ऊपर वाला काम बारिश में बरसाया कती, तो उन्हें क्या बोला भी, काम वाला करके बोलिया बोल भी, तो उन्हें क्या बोलता है ऊपर वाला, हाँ तब को बोल उन्हें कहा है ऊपर, उसके मुंह से निकाल डालना दूसरी बात को, ऊपर है कर बोल को, तब ये ऊपर करने की बात उसके दिल में आएगी तो हाँ करेक्ट चुनाव ऊपर है, हर जगह नहीं है बा, अगर उन्हें हर जगह रहता यह जिराती क्या करना था, क्या कि मालूम नहीं है जो हर जगह है ना उन्हें कब बारिश बरसाता है की करना था, ऐसा बोलता है कि भाई कौन तुम्हें, नहीं बोलता। फिर मुसलमान भी हंसता है, मैं ऐसा करिया तो उसके सामने मतलब क्या हुआ, उसे मालूम है सिर्फ और सिर्फ ऊपर है, दावत करना आसान है। देखो उसके बाद में उन्हें ऊपर है करके मालूम होगा, पता ऐसे बहुत सारे मिसाल दिए जाए, डॉक्टर कहीं जाते हैं ऑपरेशन करता है सब होगा, पद मेरे ऊपर वाले के हाथ में बा, ये सब जगह है ना उसके हाथ में, नहीं बोलता घर में वहां आगा करना जो एक तरफ बच्चे एक तरफ हो रहे एक तरफ हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं अल्लाह खुश कर रहे, फिर भी एक मिसाल वहां आगा करना जो जान खाते रहते करना घर में आते के मन क्या जी तुम्हें लाई लेना जी कमा को लाई लेना जी करे लेना जी घर चला लेना जी कर बोलते रहती, तुम्हारे सर के दोस्त के पास हो जाको क्या जी करना सो जी बहुत बिजार हो जा रहा है, क्या जी ऊपर वाला कब क्या खोल को देखता है कि बोल तो नहीं बोल कर को बोले तो कहता है मैं कहां वाला गया ऊपर वाला क्यों नहीं बोला मैं, ये हर जगह है ना उन्हें कर, देखो ये सिर्फ अल्लाह की मिसाल देखो उसके दिमाग से ये निकाले जा कि वो हर जगह नहीं है कहने की बात आराम से निकल ले जा, क्योंकि नहीं भी क्या मुश्किल है ये बात बोले, बहुत आसान है नहीं मुश्किल है नहीं कौन क्या बोल रही नहीं इसके बाद तो बोलू नहीं मुश्किल है क्या, बहुत आसान है ऐसे बहुत सारे मिसाल दिए जा।
और उसके बाद में देखो दूसरी बात, ये होने के बाद में उन्हें कितना कुदरत वाला ये आत्मा आत्मा परमात्मा यहाँ है कहती नहीं, वो एक चीज निकाल डालो उसे हर जगह है कहने की बात निकल जाती है बुद्ध में और एक में और एक में, तो बोलता ले जाओ उसके बाद में कैसा ये हाँ परमात्मा आत्मा में नहीं है कि वो उसे पूछो जो गैर मुसलमान सामने रहता ना उसे क्या कर को उससे भी कोई बाकी सा चीज है और उनकी तो पवित्र शक्ति को पूछो अंगली उठाइयो हमेशा हमारी अंगली ऊपर रखे रहो उसे मालूम होना अल्लाह की तरफ हमें इशारा कर रही कर बोल को। अब उसे जब पूछती उससे भी कोई पवित्र है कि बा उससे कोई पाकिजा चीज है कि भी अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह कोई नहीं उसे मालूम इल्ला सार याद अवनिंत पवित्रवाद अंत याद इला सार ए उत्ती पवित्र यहां आता तो मैं गंदे गंदे काम करता कितना अच्छा है देखो उसे बोलने हमारी आत्मा में परमात्मा नहीं है कर बोलने के वास्ते है नहीं उतना पवित्र मेरे में रहता तो मैं चोरी करता इतना पवित्र मेरे में रहता तो किसी का डाका डालता किसी का मान नुकसान करता किसी का लूटता यानी कि इसका मतलब यह है कि यह परमात्मा हमारी आत्मा में है कि भी नहीं है हाथ हला डाले तो उन्हें समझ जाता कौन नहीं है करेक्ट चित्र इसके बाद में ये दो चीजें हो गई बाद में तीसरी चीज उन्हें बहुत बड़ी कुदरत वाला करने की एक चीज रख डाल को उसके बाद से तुम्हें अल्लाह करने की एक बात सामने रखना वो खौफ बहुत बड़ी कुदरत वाला रखने के वास्ते कायनात को दिखा सकती है दुनिया को दिखा सकती है हर कोई जानता है ये हर कोई जान सकता है ये तीसरी चीज क्या बताना कर बोले तो देखो ये ऊपर वाले को अल्लाह क्यों बोलती ऊपर वाले को अल्लाह क्यों बोलती ये बहुत जरूरी है अल्लाह का दिखमान उसे चिड़ है गैर मुसलमान को गैर मुसलमान को चिड़ है बहरहाल उसे मालूम इक्कीस फिर सौ पालन भाग पैदा करने वाला वो सृष्टिकर्ता कहीं नहीं होना उन्हें इक्कीस फिर सौ अब उन्हें यह कहा तो उसे सवाल करना तू बोल बा तू ऊपर वाला कहना है तख उन्हें एक की दो होकर को पूछो देखो उसे समझाने के वास्ते बहुत अच्छा रहता है उन्हें एक की दो होकर को पूछो उन्हें कहते बोलता भी एक बोलता दस बोलता है एक ही बोलता हाँ एक ही बोलता है आज तक का सौ भी पूरे गैर मुसलमान एक बोले मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्हें एक रहा तो फट कर को क्या करो आगे वाला रहता है कहना क्या जी तुम्हारा नाम है टिप्पू अच्छा माशाल्लाह अब तुम्हारा नाम टिप्पू ना जी अब वो गैर मुसलमान की बात करते उसका उसकी मिसाल लीजिए टिप्पू साहब की ना को हमला गैर मुसलमान की बात लेंगे हम इनको से पूछ दो रामचंद्र आकता है वेंकट रमण आकता है नहीं भाई क्या की हरिश्चंद्र आकता है नहीं मोहन कहता है बोलता नहीं क्या की एक नाम ले लेंगे मोहन नहीं एक मुसलमान गैर मुसलमान को उसका नाम मोहन अच्छा मोहन ना बात तेरा नाम मोहन की जगह में मैं क्या करता हूं मोहित कर को पुकारता हूं तू मुझे जवाब देता है क्या बात देखो अल्लाह कर को कई को बोलती वो कैसा उसके दिल में डालना अल्लाह करने की बात को एक छोटा नुस्खा याद रख लो ये अब मोहन भी तेरा नाम मोहन है मैं क्या करता हूं मोहित कर को पुकार दो तू मुझे जवाब देता है कि भाई नहीं देता अच्छा तुझे मारतांडा कर को पुकार दो तू मुझे जवाब देता है अरे तेरी इसमें कितने की नाम वाले यहां तक तू शिवा ईश्वरा तू कहते कि परमात्मा का ताला वो सब ले को पुकार तू मुझे जवाब देता है नहीं देता क्यों नहीं देता देख तू गलीस पानी का खतरा है करके उसकी हैसियत बता दू मैं स्ट्राइक से बता दू ये इंसान में जो गलीस पानी का खतरा है तू भी मैं भी हमारी हैसियत ऐसे ही उतना बड़ा मालिक है तेरे मेरे कुछ मेरे नाम से पुकारना करने की बात तेरे दिल में आ रही है बहुत आसान है दावा करना बहुत आसान है ये छोटी तेरे मेरे से की कुछ में हमारा आमना बढ़ गई है क्या रहे मेरे नाम से पुकारना कर बोल को उन्हें यह कहना तो उसका भी नाम यह थोड़ा दो ना बोल ले कैसा पूछना उसका भी नाम यह खाना दो ना बोल ले तो उन्हें क्या बोलता बोला ये किचन ना करता है उसे क्या करो जरा कन्नड़ जान लियो जरा तेलुगु जान लियो जरा तमिल जान लियो जरा इंग्लिश जान लियो हुआ सकता जितने भी लैंग्वेज आप तुम्हें जानती उतना भी फायदा ज्यादा होता है कनाडा में अच्छा भी देख भी तो इतना बोया ना कनाडा में ऊपर वाले को क्या बोलती बोल रहे क्या बोलती देवरु ज्यादा बोलती नहीं भाई देवरु देखो मंजे भी क्या भी हर्ज नहीं नौज भी ला मैं भी मान ले तो नौज भी ला क्या कर को देवरु कर बोल को लेकिन वो खाली एक ही चक्राम करना की कर को यार तू अकेला कहना उन्हें ऊपर वाला किस ना एक जना रात
ದೇವರು ಕಲಿಕ ಜಗಕ್ಕೆ ಬಾದು ಜರ ಪಿಛಾ ಸಾಮನೆ ಕರೆ ತೋಗ ನಾನು ದೇವರಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾ ಹೇಳಿ ತೋ ಯಾ ನಾಮ ಪಿಛೆ ಸಾಮನೆ ಹೋಗ ಉಸೆ ಸೀದಾ ಊಪರ್ ವಾಲೆ ಕೋ ಏಕ ನಾಮ ನೀ ಹೈ ಕಿ ಭೀ ನೀ ಹೈ ಅಚ್ಛಾ ದೇವರುಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಅರೆ ಔರತ್ ಕಾನ್ಸಿ ಆಗಿ ದೇವರು ಕನೆಗೆ ನಾಮ ಕುಚ್ಚೆ ಪಿಛೆ ಸಾಮನೆ ಕರೆ ತೋ ಅಲಗ 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 ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋ ಜಾಚೆ ಯಹಾಂ ಯೇ ಬತಾನಾ ಜರೂರಿ ಹೈ ಕಿ ಯೇ ಊಪರ್ ವಾಲೆ ಕೋ ಯೇ ಕನ್ನಡಾ ಮೇ ಏಕ್ ಸೂಟಬಲ್ ನಾಮ ನಹೀ ಹೈ ಉಸ್ಮೆ ಆತಾಚ್ ನಹೀ ಹೈ ಐಸಾ ಚೀಜ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೇ ಭೀ ಗಾಡ್ ದೇಖಿ ಭೀ ಗಾಡ್ ಕತಿ ನಹೀ ಅಬ್ಬಿ ಗಾಡ್ ಕತಿ ನಾ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಯಸ್ ತಲ್ ತಕ್ಕೆ ಮನ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಏ ಬಂದೆ ತೂ ಎತ್ತಾ ಹೋ ತೂನೆ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ ಯಸ್ ತಲ್ ಕೋ ಬಲ್ಲಾ ಕೇ ಹೋ ಗಯಾ ನಾ ರೇ ಉಸೆ ಯಾದ್ ದಿಲಾನಾ ಹೋತಾ ಕ್ಯಾ ಯಹಾಂ ಭೀ ದೇಖಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೇ ಭೀ ಯೇ ವರ್ಡ್ ಹೈ ನಾ ಪಿಛೆ ಸಾಮನೆ ಹೋಗಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಹೀ ಅರೆ ಬೋಲಾ ಪಿಛೆ ಸಾಮನೆ ಹೋಗಾ ನಹೀ ಉಸೆ ಸೂಟಬಲ್ ನಾಮ ಹೈ ಯೇ ಈ ಯಸ್ ತಲ್ ತೋ ಗಾಡ್ ಕೇ ಬಾಜೂ ಗಾಡೆಸ್ ಔರತ್ ನೌಜ್ ಬಿಲಾ क्या क्या नाम पैदा करती है लोग अब उसे पूछे तो हो यहां भी को सभी सूटेबल नाम ऊपर वाले को नहीं है तेलुगु में भी देवड़ो देवड़ो देवतलो देवतलो आंडव आंडव कई सी लैंग्वेज तो भी लियो आखिरी में वो कहां आती मालूम हमारे इंडिया में एक ही चक नाम है ऊपर वाले को क्या सृष्टिकर्ता अगति वो सृष्टिकर्ता गढ़ो काम भी नहीं है सृष्टिकर्ता है कहीं निकल जाती तब क्या करना तुम्हें अच्छा भी देख वो ऊपर वाला सारी कायनात को सारी दुनिया को हर इंसान को अमेरिका को भी जापान को भी और एक को भी अच्छा भी तू सृष्टिकर्ता कहता भी तू जापान में जब खड़ जा को सृष्टिकर्ता कहता तूने पहचानता के बा पहचानता है हु इज दिस हु इज सृष्टिकर्ता कहता है बोल तू मेटाली में खड़ जा को वो ऊपर वाले को सृष्टिकर्ता कहता तो मानता कीजिए उसे समझ में नहीं आता किसे बोल रहा है तो सृष्टिकर्ता कर बोल को बोलता नहीं यहां तब उसे याद दिलाना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थी भाई ये लैंग्वेज हाँ वहां कुछ हद होगी इस वास्ते एक लैंग्वेज है बोलो तब आप बोलो तब एक लैंग्वेज है वो मेरे बाप की तुम्हें याद रख लियो वो सऊदी अरब है नहीं सऊदी अरब की लैंग्वेज में ऐसा दिखाओ यहां की लैंग्वेज हमारी उर्दू में इसमें उसमें तो उनको चिड़ शुरू हो जाती है ये सऊदी अरब की अरबिक लैंग्वेज है देखो वो अरबिक लैंग्वेज में वो ऊपर वाले खाली को मालिक को अल्लाह कर को पुकारते हैं ये अल्लाह कहने का तो इंग्लैंड की बड़ी यूनिवर्सिटी है देखो कौन सी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी बड़ी डिक्शनरी कार्ड को देख वहां अल्लाह कहने की जगह में अल्लाह गढ़ो काम तो मैं लिखो रहा मन जाको पूछ कर तो इला हंगेनो इला ना नोड़ी ना उन्होंने बोलते अच्छा भी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अल्लाह के बाजू काम तभी तू यस देखा गया कह तो नहीं वहां की डिक्शनरी में भी मैं नहीं देखा दुनिया की कौन सी डिक्शनरी में भी तुझे नहीं मिलता सिवाय अल्लाह के तू जापान में खड़े ऊपर वाले का नाम क्या बोल ले कहता उन्हें बोलता है उसके मुंह से निकालता है अल्लाह कहता है तू अमेरिका में खड़े वो ऊपर वाले का नाम क्या बोलती बोल वहां कहता उन्हें अल्लाह कहता है उसके बाद में जब अल्लाह अल्लाह करने की बात सामने रखो तुम्हें बोलना कि नहीं उन्होंने बोलना शुरू कर देती अब बोल भाई ऊपर वाले को वो करेक्ट है नहीं बोल अल्लाह कर को बोलने का नाम हाँ करेक्ट इधर सर कभी बोली ये मानने को भी नहीं हर एक भी भाई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा मुझे आज तक इनकार नहीं कर ये मेरा तजुर्बा है इसलिए मैं आपके सामने ये बात रखा जब उसे अल्लाह करने की बात आ जाती है स्ट्रेट से बोल लो देख बा अब मैं अल्लाह कर पुकारा तुझे क्या भी इतराज नहीं ना कहते उन्हें हाँ नहीं क्या भी नहीं बोल सकती हमें तब उसे देख अल्लाह कौन करने का तुझे बता दू बा बोल को कौन सा पढ़ना बोलो कितना सिंपल भी जब ये दिखा डालती अल्लाह ताला देखो भी एक है अल्लाह बेनियाज है उसे किसकी भी क्या भी जरूरत नहीं है हाँ लंबा है ये लिए तो पूरा एक पूरा सिर्फ सूरत इखलास को अगर बोलते बैठेंगे एक दिन भी काफी नहीं है तो हाँ उसके बाद में लम्मी अली दो लम्मी उलत कारणा में आराम से उन क्या बोलती है बोले तो अवन यार इंदो हुट्टिला अवन इंदा यारो हुट्टिला क्या तो उसे अम्मा बाबा भी नहीं उसे बच्चे भी नहीं उसे समझाने के वास्ते गैर मुसलमान को बहुत आसान से दरक दले जा उसके बाद में उसके सर का कोई भी नहीं है
उसके सर का कोई नहीं है, उसका उसके सर की ताकत कोसी भी नहीं है। ये है देखा, अल्लाह अपने आप में डिस्क्राइब कर ले रहा है, वर्णुस्कोणता इधर है, हाँ मेरी रो अल्लाह इधर अल्लाह वर्णुस्कोणता इधर है। क्या भाई ये बोलना क्या तो बाखा है, ये तीन चार बातें, बहरहाल मैं 15 से 20 मिनट या 30 मिनट ले जा तुम्हारे, ये बात जो तुम्हारे सामने मैं रखो बोलने की कोशिश करिया, ये बोलने मुश्किल है नहीं है। अब एक ही चीज सामने रख दो, दावत ये करने के पहले एक पॉइंट उनको सामने दिखाना, कई साहब गैर मुसलमान को जाको मिलती, मैं कहां मिलता हूं वहां पकड़ लेता हूं, रस्ते में जाते रहता हूं पकड़ लेता हूं, बस में बैठता हूं पकड़ लेता हूं, ट्रेन में बैठता हूं पकड़ लेता हूं, प्लेन में बैठता हूं प्लेन में भी बाजू दावा कर ले गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो बंदा भी प्लेन में बैठ को, जब मैं यहां से सऊदी को गया था रियाद को, एक बंदा मेरे बगल में बैठा था, कैसा हुआ ये छोटा तजुर्बा, मैं गया मेरा तो दिमाग था कि वो तो मिला था अच्छा आदमी का ना, अल्लाह का बंदा कुछ बोलने कह जा ना कर बोल को, बैठा प्लेन में बैठ गया, कहां से मुंबई से मेरी फ्लाइट थी रियाद को, बैठ गया जाते 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 ने अभी चढ़ लगो छे हूं जा रहे ये जंगल में हूं कल को अभी हूं गई नहीं हूं जाने के पहले छे, उन्हें बैठा एक बाजू आको अल्लाह का बंदा बैठा उसने अकड़ लगो बैठा रात थी भी हलियाली, क्या करना सो कैसा ऐसे बात कर रहा सो, जपता था मुझे मालूम कहीं ना कहीं एक ना एक जगह में अल्लाह ताला एक मौका देता है कर बोल को, क्या हुआ ये होस्टेस है ना वो खाने पीने ये वो कटले लगाती, देखो वो वक्त में इसे पानी की जरूरत पड़गी, पानी की जरूरत पड़गी ना इन्हें क्या करे टेबल को उठा लेको बाजू खोल को यू करे उन्हें ले लगा को बाटल रखते बाटल मेरे तरफ लड़क कर को गिरा, आह बड़ा अच्छा मौका मिला मैं क्या कहना जरा हट गए ओह सॉरी 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 नहीं नहीं क्या भी फिक्र नहीं सारी बोलने की जरूरत इसलिए भी मैं भी तेरे सर का इंसान ने शुरू किया क्या किया मैं भी तेरे सर का इंसान ने यहाँ क्या भी सारी बोलने की जरूरत नहीं लेकर उनको मैं चुटा दे दा रखो की सारी बोलने की जरूरत नहीं कर बोले तो देख इंसान गलती करते रहता है क्यों खींच लगा रो देखो उसे प्लेन में भाई क्यों खींच लगा रो इंसान गलती करते रहता है इंसान गलती का पुतला माफ करने वाला लेकिन मैंने इंसान गलती करने के बाद में अपने आप में उन्हें माफी नहीं चाह लिया तो गुरूर में फंस जाता पा वो इब्लीश की एक अलामत है वो बंदा मैं वो था बोलते कि मन उन्हें इसका बंगाल का वेस्ट बंगाल का उन्हें बहुत सारे जगह में फैक्ट्री रखे हुए थे वहां भी रियाद में भी फैक्ट्री रखे होकर बोलता था फिर क्या कि उसका वो पार्ट मैं जाते जाते बोलते रहा तो उन्हें क्या करे आखिरी में हाँ तुम्हें बोल रही बराबर इच्छे लेकिन कहां है कौन डरता है ऊपर वाले को इसे उसे मैं क्या करा तो ऊपर वाला करा है ना ऊपर वाला कहा है मालूम क्या तुझे तुम्हें हिंदू आना वहां से पूरा दावती काम जैसा मैं तो खुद बोलिया नहीं तीन चीजें समझाया मैं उसके बाद में ले लगा को उसे उसके पहले और एक चीज समझा दे क्या समझाया अगर बोले तो हो भी तू बोल रहा है बरोबर है हमारा डर नहीं है किसका डर नहीं है ऊपर वाले का की डर नहीं है देख मैं तुझे बोल रहा हूं ना दो चीजा सब जानवर में ही इंसान में तीसरी एक चीज है वो जान में थर्ड तीसरी एक रूह हमें जब सो जाती तो हमारी रूह बाहर निकल जाती है ये चीज उसके सामने रखा अब ये देख मैं मरना कहना पुनर्जन्म नहीं है पुनर्जन्म नहीं है पुनर्जन्म कैसा नहीं है ये गैर मुसलमान में है ये कसीदा ये पुनर्जन्म को कैसा काटना आप देखो हमारे अब्बा मर को ऑलरेडी 20 साल के ऊपर होगा मैं सबको एक मिसाल दे हमारे अब्बा की हमारे अब्बा मर को 20 साल होगा पुनर्जन्म नहीं है क्यों नहीं है कर बोले तो मैं पैदा करने की कोशिश कर तो एक बेटा पैदा होता है बेटा को उठा ले कोई हूं देखा तो हमारे अब्बा हसे सर का हंसता है कैसा हमारा अब्बा हसे सर का हंसता है अब उसके बाद में कभी कभी हमारा अब्बा हाथ उठाती वो भी हमारा अब्बा हाथ उठा सर का उठाता है ये सब देखकर को मैं क्या समझ जाता हूं हमारा अब्बा चले नौकर बोलता हमारा अब्बा का नाम रख डाल दो अब क्या करते हैं तू मेरा दोस्त एकदम मस्तिष्क कहीं पे जगह बैठे रहो मैं गो मैं जरा काला हूं मेरा बच्चा अच्छा गोरा 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 अच्छा छोटा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कहना मैं उठा ले बैठा जब तू आया कि नहीं कि बैठ को किसका भाई बच्चा कर को पूछता नहीं बोल क्या पूछता किसका यार बच्चा पूछता नहीं बोल हाँ करेक्ट तू क्यों नहीं पूछा ये किसका बाबा कर बोल को बोल नहीं भाई तू क्यों नहीं पूछा ये मेरे दिल में है ना मैं खुद उसके उसे हमारे बाबा का नाम रखता ही हूं ना
आगला सर कहती हाँ करेक्ट, इसको बोलिया सागला, मैं बाप को पैदा करता हूँ, गोलपल को पैदा करने गया तो पैदा होता सो बच्चा बाबा, ऐसा हाथ वाला नाम के सामने पुनर्जन्म नहीं है। अभी बहुत सारे मिसाल दिए जा, दुनिया में अगर पांच लोग ही समझो, पांच लोग में इन्हें एक जना मरगा करना कोई पैदा होना, पुनर्जन्म करने का इन्हें पैदा होना होती नहीं भाई। बहुत सारे मिसाल दिए जा, अब इन्हें नहीं चाया, इन्हें गया सुने आया नहीं, इन्हें आगा इन्हें आगा इन्हें आगा इन्हें आगा, मैं ऐसा बोलता हूँ उनको भी गैर मुसलमान को, नोड़प इवन ई जन्मल अकस्मात पुनर्जन्म इतने इवन मात्र सत्तोद इवन सत्तो इवन मात्र हुटो इवन बर इवन बंद इवन बंद इवन बंद इवन बंद इवरेलू बंदु इवर बर आगोयतु इतना पुनर्जन्म इला। ये हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स को पहले समझाना, पाप उनको मालूम नहीं ना होने की वजह से वो एक महरूमी की हालत पे ही। उसके बाद में अभी बहुत सारे मिसाल दिए जाए, दुनिया में पांच जने ही करना, पुनर्जन्म करने का रहा तो पांच ही सजाना, चारवा मरते के बाद फिर पांच पांच आना, छवा नहीं आना, दसवा नहीं आना, करोड़ नहीं होना, बहुत सारे मिसाल दिए जाए। देखो ये सब चीजा ही, आज मैं मरगा करना, आज मरगा तो मेरी जान चल जाए, दूसरी हमारी रूह, हमारी रूह वहां सड़ जाए, हमारा धड़ सड़ जाता है, खाप में हमारी रूह गई थी फिर वापस आने के वास्ते यहाँ धड़ था, हमें मरे के बाद में यहाँ हमारा धड़ यहाँ वापस जमीन के ऊपर है, वो कंडीशन में नहीं है ये रिसीव कर लेने फिर है भी डर होता नहीं बोलो, ये सभी कैसा हमारी रूहों को बचा लेना। तो ये सब चीजा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बीच में और जरा लंबा है, जरा दो और छोटे छोटे सवाल उनके पैदा होते, आपके दिमागा में कुछ सवाल रहे तो इंशाल्लाह मैं उसे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ये गैर मुसलमान, ये तीन चार चीजें हम बोलना लेकर ना बहुत काफी है उसे समझ में आ जाता है। और कुरान की अहमियत को रखने के वास्ते चंद चंद आयत को तुम्हें पढ़ को याद रख लेना, या एटलीस्ट उसका ट्रांसलेशन तो भी देख लेना। कुरान अथेंटिक है, इससे अथेंटिक कोसा भी नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कर बोल को कैसा कर बोले तो देखो कुरान जो आया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पढ़ते नहीं थे लिखते नहीं थे फिर भी नॉलेजेबल थे, दुनिया में उनसे कोई नॉलेजेबल कोई भी नहीं है। है कि भिगो तो उनसे नॉलेज बोले उनकी और नॉलेज वाला आज तक आया भी नहीं आता भी नहीं मतलब नहीं नहीं। तो इसका मतलब यह है जो आदमी पढ़िया नहीं लिखा नहीं उतनी नॉलेज कहां से आ जाती है, जब तक वो कायनात का मालिक उनको नहीं देता वो समझा को इन्हों रिसालत देख भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर बोलने के वास्ते एक रास्ता ले लगा रख ले को कुरान के चंद आयत याद रख याद कर लियो, जैसे कि याद होना तो लिख लियो जाको देखवा हो ये सूरह यूनुस की दसवां सूरा सूरह यूनुस दसवां सूरा ना, तो उसमें आयत नंबर 61 60 पर 1 उसमें अल्लाह ताला फरमाता है क्या बोलता मालूम, तुम्हें किसी भी हालत में हो कहां भी रहो तुम्हें कैसा तो भी पढ़ते रहो मैं हर चीज को जानता हूं, यहां तक के क्यों ना वो जर्रा हो जाओ, जर्रा गौर करो जी याद रखो, क्यों ना वो जर्रा हो जाओ, जर्रा और जर्रे से छोटा और जर्रे से बड़ा हर चीज एक किताबुल मुबीन में लिख दी गई है, समझे तुम्हें क्या बोले अल्लाह ताला जर्रा क्यों ना वो जर्रा, जर्रे को 1400 साल पहले कोई जानता था कि भी किसी को मालूम था ये साइंस आए तक ये जर्रा एटम को किसी को ही नहीं जानता था कि कितनी अच्छी चीज है 1400 साल पहले अल्लाह ताला को, ऐसे बहुत सारे ही एटमिक एनर्जी के बारे में ही बाद में बच्चा कैसा पैदा होता है उसके बारे में ही और उसके बाद में और भी चीजें हैं जो कायनात में बिग बैंग थ्योरी कर बोलती ना उसके बारे में है और गैलेक्सीज के बारे में है जियोलॉजी के बारे में है हर चीज के बारे में मिल जाती है तुमने आए था एक दो चार आए था तुम याद रख ले तो वो काफी है उनको बताने के वास्ते। इसमें और करने की बात क्या है अगर बोले तो ये जर्रा जर्रा 1400 साल पहले किसी को मालूम नहीं था तो नहीं भी ये जर्रे को फिर और छोटा करा ला जर्रे से भी छोटा उससे बड़ा, ये जर्रे से छोटा क्या होता है कभी आप गौर करें उसे यहां पढ़े लिखे आदमी हैं देखो एसएलसी या पीयूसी को गई ना उनको बहुत जल्दी समझ में आता है इंशाल्लाह। ये जर्रा है ना ये जर्रे को सर्टन प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर दाल को अगर फोड़ेंगे वो फर्दर ब्रेक्स इनटू मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स यानी कि वो और बारीक 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 हिस्सों में बढ़ जाता है।
कौन से बारीक हिस्सों में पड़ता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कुल कुल। भाई जब ये तीन हिस्सों में बटता है, ये एटम कने का फूटता है, फूटने के वक्त में शिद्दत की खुवत इसमें से निकलती है, शिद्दत की खुवत इसमें से निकलती है। ये क्या थी टेक्नोलॉजी? कभी गौर करें आप लोग, है आपके दिमाग में कुछ इसके बारे में? भाई ये साइंस देखो, अल्लाह ताला 1400 साल पहले बोला गया, क्या ये एटम को अगर तुम्हें फोड़ेंगे तो वो तीन में बटता है, उसमें शिद्दत की खोद बाहर निकलती है, यानी कि इनॉर्मस एनर्जी कम्स आउट विद दैट, इट इज नथिंग बट क्या एटॉमिक एनर्जी, एटम बम कहते नहीं उसकी एनर्जी। 1400 साल पहले अल्लाह ताला कुरान में बोल दिया। हमें लोग आना ही जी साइंस, जी साइंस फार्मी कुरान हदीस को खाली पकड़ लो जी, हमें आंसरेंगे जी कर को आंसरेंगे। वो किसकी टेक्नोलॉजी? हमारी टेक्नोलॉजी। वो हमारे पास पेटेंट होना था, वो चीज हमारी पेटेंट, वो हमारा, वो हमारी प्रॉपर्टी। वो आज कौन की उसके ऊपर तहकीक करा? उसके हाथ में है वो एटॉमिक बॉम्ब। उस दिन हमें इस पढ़ को समझे रहते ये कुरान को, आज वो टेक्नोलॉजी किसके में रहती? हमारे पास रहती। उन्हें आना था जी हम नजर आते हो जी, जी चाची किधर की नहीं, हमें लास्ट कर लिया। ऐसे जरा चीज बोल को देख, 1400 साल पहले अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता था, उन्होंने यहां कम्युनिकेट करने ही, उन्होंने मीडिएटर रही, उन्होंने यहां को, हमने यहां को, यहां को देने के वास्ते प्रॉफिट बन को आपको ही, उन्होंने हमने ये चीज हमारे तक पहुंचाए। इसके वास्ते जी हमारा कब भी अकीदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कर बोलती भाई, उसका तर्जुमा आपको सुनाऊंगा। मैं इतना बोला ना, अब तेरी आत्मा को तू बचा लेना चाहता है? नहीं कर बोल का हल्लू एक सवाल डालो, क्या बोलता बोलो? हाँ हाँ बचा लेना चाहती भाई। नहीं क्या तुम्हें तो तेरी आत्मा को तू जहन्नम में डाल को जलाने फरमा लेता है क्या? बोल नहीं भाई। अरे मेरी आत्मा जन्नत में छोड़ना करता हूं, तेरी आत्मा तू जन्नत में होना तो देख भाई की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सिंपल, आई बेयर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, आई बेयर विटनेस मोहम्मद ही इज हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्क नहीं भाई, ये तो बोल को उन्हें ऊं करके मान लिया तो तुम्हारे हाथ से हो गए तकरी। आसान है भाई, क्या मुश्किल है कि भाई? सौ भी एक बार दो बार इनके जो निकल रही उनके साथ निकल गए तो ज्ञान में, तो इंशाल्लाह आराम से वो काम करते गए। तो ये तो बोल को उसके पीछे क्या करना, उन्हें यस कर बोल को खुब लिया, हाँ चल कलमा पढ़ लेकर बोल कलमा पढ़ा दल को, उसका एक नंबर की है कि वो किले रख लेना, जरा अजमेर देने के वास्ते ही पिच आप करते, एक काम कर ले आखिरी दर्जा मेरा नंबर तू रख ले भी कर बोल को, काम तो लिख को देख भेज दल को, उन्हें कभी काल कर या तो उसे जवाब देने की कोशिश करते रहो। करेक्ट मीन मुश्किल है क्या भी? मुश्किल है, करो एक बार निकलो अपनी, हाँ अपनी अपनी रूहों को बचाओ, खुश रखो, अल्लाह ताला जो खसम खा को पल रहा है वहां तकलीफ में डाल लेने का रखो, बचाओ अपनी जानों को, बचाओ जन्नत में जगह बना लियो, ये चार चीजों के ऊपर अमल करने की कोशिश करो।